राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सुविधाओं के अभाव को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व में कई बार प्रबंधन को अवगत करवाने के बाद भी जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अभिभावक कलेक्ट्रेट में धमक गए। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अभिभावकों को समझाने पहुंचे एसडीएम से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। अगले महीने बच्चों के बोर्ड पेपर्स हैं, स्कूल में अब तक पूरा स्टाफ तक नहीं, विजन लैब का कोई अता पता नहीं। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से इस सरकारी आवासीय स्कूल को बंद करने की मांग भी की। उनका कहना था कि हमारे बच्चों को दूसरे जिले के स्कूल में शिफ्ट करना उनके भविष्य को बर्बाद करना है। दरअसल बागेश्वर जिले का एकमात्र आवासीय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कई समस्याओं से घिरा हुआ है। विद्यालय में न ही स्थायी प्रधानाचार्य हैं और न ही पूरे शिक्षक हैं, न विज्ञान लैब है और न बिजली और पानी है। इन सब समस्याओं को लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है और आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। न तो विद्यालय का भवन बना, न रेगुलर टीचर आए, न प्रिंसिपल आया। बच्चों को शिक्षा से मतलब इस तरह से वहाँ पर परेशानियों में रखा हुआ है, जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने का कोई सही टाइम पर अटेंडर नहीं होता है, भोजन व्यवस्था नहीं होती है, पढ़ाई के लिए रेगुलर टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, सुरक्षा के लिए संविदा के कर्मचारी रखे गए हैं, कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये 10 वर्षों से हम अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।